लोगों को मार दिया। आज रोटी नहीं मिल रहा है। देखिए हमें तो चाहिए कि कम से कम एक रूम या थोड़ा सा जगह दे दे। देखिए नरेंद्र मोदी आ गया, सबको गरीबों को एरिया में कुछ भी काम ना हो रहा है भाईजान। नमस्कार, आप देख रहे हैं यान टीवी, मैं हूं आपके साथ संजीव मिश्रा और इस समय हम खड़े हैं ओखरा के सलम एरिया में बिल्कुल आज, और यहां से हम आज मुद्दा उठाएंगे कि आखिर जो पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे उनमें से कितने वादे पूरे किए गए। जी अभी तो जो यहां का जो ये है आपका केजरीवाल जी हैं, ये 4 डिमांड तो गरीब के लिए पास कर दिया है भाई, ये तो कोई रोक नहीं सकता। एक पानी, एक स्वास्थ्य और एक बिजली और एक और स्कूल शिक्षा, ये है इनके लिए तो स्टेट का इलेक्शन सही है, लेकिन सेंट्रल में मोदी जैसे कोई नहीं। मगर जो कहा जा रहा है कि जो स्लम एरिया है वहाँ पे विकास किया जा रहा है, रोडे वोडे बन गए, क्या सही में वो जमीनी हकीकत पे वो काम हो रहा है? नहीं नहीं हो रहा है, ये चीज नहीं हो रहा है, कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। क्योंकि सरकार, हाँ सरकार, सरकार जो है सलम जो हम लोगों का है ये बीजेपी के अंदर में पड़ता है, ये अभी तक नहीं हुआ। सकल देखो भैया हम लोग का क्या करो, हम लोग का रोटी नहीं मिल रहा है, रोटी कहाँ से लेकर आऊँ। आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? हमारे तो हो गया, बचपन गुजर गया यहाँ पे। आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? हम हो गए तो ना 10 साल से ऊपर हो गए, हम लोग ओखला मंडी के अंदर में। क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? कबाड़ी चुनते, नहीं आया आज तक हम लोग का पास, जब से मोदी सरकार आया है जब से हम लोग के सीधा मिट्टी गायब हो गया है। आपसे जानना चाहूंगा कि हमेशा सरकार हर साल वादे किए जाते हैं, क्या आपको लगता है कि आपके जिंदगी में जो बदलाव आना चाहिए था वो आ गया है? नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया, जैसे कि तैसे ही है, हम जैसे कि तैसे ही है। आप यहीं पे रहते हैं सलम एरिया में ही? 20 साल से यही है ओखला मंडी में ही। 20 साल में आपको क्या बदलाव देखने को मिला है? कुछ नहीं मिला, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे के तैसे ही हैं हम। ऐसे फुटपाथ पर सोते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, कपड़ा बीनते हैं, और कोई हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है सर। जैसे कि केजरीवाल सरकार कह रही है कि हमने काम किया है, जो सलम में रहते हैं उनके लिए काम किया गया है, आपको लगता है कि कुछ काम हुआ है? हाँ जी हुआ, तो उन्होंने किया बहुत सब ऐसी काम उसने किया, लेकिन हमारे लिए नहीं किया। तो चाहिए कि कम से कम एक रूम या थोड़ा सा जगह दे दे, जगह दे दे, कुछ कुछ नहीं सूझा। जैसा काम होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, गरीबों को मार दिया, ऐसे गरीबों को मार दिया। नाम सलीम खान मुसलमान, पर गरीबों को मार दिया। जब 50 पैसे गिलास पानी का बिक रहा था, इंदिरा गांधी थी और राजीव गांधी, जहाँ 10 पैसे का गिलास बिकता था पानी का, 2 रुपए का गिलास बिक रहा है। क्यों बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? ये प्रधानमंत्री इलेक्शन होते हैं ऐसे पैरों में सर रख देते हैं कि मेरी इज्जत करना, मेरे को वोट देना, और इनका काम निकल जाने के बाद कहते बाबूजी मेरा बच्चा बंद हो गया है, मेरा बच्चा बंद होगा, जरा छुड़ा दो। कहते बाबूजी सोते कहाँ पे लेटते हैं? कहाँ पे सोते हैं? रोड पे सड़क पे लेटते हैं हम। ये जो सरकार कहती है कि रैन बसेरा बनाया गया है, काफी ज्यादा रैन बसेरा बने, पैसा लेते हैं वहाँ भी, पैसे लेते हैं रैन बसेरे में तो फ्री में, फिर सरकार फ्री कहा गया है लेकिन पैसा लेते हैं, क्यों लेते हैं? शौचालय फ्री के आ गया है, पैसा लेते हैं। हमारे एरिया में कुछ भी काम ना हो रहा है भाईजान, हम खुद फुटपाथ पर है, मेरे को रहने का मरैया ना है, हम क्या बोलूं किसी से। कितने साल से रह रहे हैं आप? हमारा 20 साल गुजर गया। 20 साल में आपको लगता है कि सरकार ने कुछ बदलाव किया है? कुछ भी ना बदलाव किया, हम पुल के नीचे रह रहा हूँ, ट्रेन का पटरी पर सो रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे लेके।